महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से नवी मुंबई में उत्तराखंड भवन का उद्घाटन किया। यह अतिथि गृह का निर्माण 39.73 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। कोश्यारी ने कहा है कि राज्य अतिथि गृह सह एम्पोरियम का उद्घाटन करने के बाद यह महाराष्ट्र और उत्तराखंड के लिए एक नई सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। कोश्यारी ने कहा, उत्तराखंड मुख्यमंत्री उन सब लोगों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी ओर से नवी मुंबई में इस स्थान के लिए कोशिश की गई, यह स्थान हमको प्राप्त हुआ और आज हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भवन निश्चित रूप से एक सम्मान का भी प्रतीक है हम सब लोगों के लिए, और किसी भी राज्य का भवन अगर राज्य से बाहर होता है तो एक तरह से उनके लिए सम्मान का प्रतीक होता है। उत्तराखंड और हिंडन के बीच से एक ऑल वेदर रोड के निर्माण और उड़ान संचालन शुरू करने के साथ कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। पहले जैसा राज्य नहीं है। उत्तराखंड को गंगा और यमुना का उद्गम स्थल बताते हुए कहा कि उत्तराखंड और मराठी भाषाओं में समानता है जो दो राज्यों के बीच एकता का एहसास दिलाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र के निवासियों को निकट भविष्य में एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। कोश्यारी ने मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं अपने संबोधन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के उत्पादों को भवन में उपलब्ध कराया जाएगा और पर्यटकों और निवेश काम करेंगे और कॉमर्शियल यूज उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल उसका कॉमर्शियल यूज उसका होगा। 2-3 मिनट में पूरी अच्छी तरह आग पकड़ लेता है, कोई धुआं उसमें से नहीं होता, एक तरह से ग्रीन एनर्जी है। और जो इसे बिजली पैदा होगी, हमने उसका रेट 7.63 रुपया रखा है। क्या बिजली पैदा करिए चीड़ की पत्तियों से और 7.63 रुपया हम आपसे उसको खरीदेंगे। और जो चीड़ की पत्तियां इकट्ठा करेंगे उनको फॉरेस्ट की तरफ से भी 1 रुपया प्रति केजी मिलता है, जो प्रोजेक्ट लगाएगा उसकी ओर से भी मिलता है। और इस तरह से जो पत्तियां इकट्ठा करते हैं, हमारी कोशिश है कि उनको भी 700-800 रुपया रोज की उनकी कमाई हो जाए। इस ढंग से हम लोगों ने उसका रेट भी बहुत हाई रखा है और आज मुझे खुशी है कि 37 प्रोजेक्ट हमारे राज्य में उसके प्रारंभ हो चुके हैं। इसी तरह से जो सुविधा के लिए कार्यालय स्थापित किया जाएंगे। उत्तराखंड में अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं के बढ़ते झुकाव के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य में 200 से अधिक फिल्मों और विभिन्न भाषाओं के धारावाहिकों की शूटिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में उत्तराखंड भवन के खुलने के साथ उत्तराखंड के लोग जो किसी कार्यक्रम या किसी अन्य काम के लिए मुंबई जाते हैं उन्हें रहने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक विशेष उपाय के रूप में आवास होगा। साथ ही साथ उन्होंने कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए 2 रूम आरक्षित किए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुंबई में उत्तराखंड भवन के खुलने से राष्ट्र के मध्य पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं और पर्यटन पहलुओं को सार्वजनिक करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद धारकों, विशेष गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उत्तराखंड के निवासी और यहां तक कि गैर निवासी उत्तराखंडियों को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान रहने के लिए जगह मिलेगी। Hey, 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 hey